कभी पागल खाने गए हो? अरे एक बार गया था, वो भी पूरी बारात लेके। देखो रात को बीवी ने कपड़े उतारे और शोहर को तिरछी निगाहों से देखा। बीवी करी आपको पता है ना आपको क्या करना है? शोर करो नहीं, इतनी रात को मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। के मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। बड़ा हरामी हो बेटा। आपने जो बात की ना, आपके इस बात से एग्री करना चाहता हूँ। देखो मेरे मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, जितनी दो नंबरी हमारे मुल्क में चल रही है ना, मुझे यकीन है कि दज्जाल को भी कोई ना कोई टोपी करवा के यहाँ से निकाल देंगे। मौसम चेंज हो रहा है ना, ओए होए। वो बीवी बाथरूम से नहा के निकली ना, तो शौहर बेड पे लेटा हुआ ना, उसे घूर रहा था। तो बीवी बड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, हाँ भाई क्या इरादा है? शौहर कहने का, बेवकूफ की बच्ची, पानी मैंने अपने लिए गर्म किया था। महंगाई की वजह से बता रहा हूँ, जहन में बात रखना। बाप देखो बीवी के लिए शौहर से मैं काम करती हूँ, मैं छुपती हूँ, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। आज दूसरा दिन है बीवी खुद शौहर को ढूंढ रही। पीछे बाराती। अगर बीवी सिर्फ इतना समझ ले कि मेरी सास मेरे शौहर की जन्नत है, अगर बीवी सिर्फ इतना समझ ले कि मेरी सास मेरे शौहर की जन्नत है, और सास ये समझ ले कि मेरी बहू मेरे पोते पोतियों की जन्नत है, तो वो घर कभी भी दोजख नहीं बनते। आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, जब वो स्कूल जाती थी ना तो मौजे में पैसे छुपाती थी और हमें बताती भी थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है, पैसे तो छुपाती है लेकिन हमें बताती नहीं है। तू समझा? कोई मिला ही नहीं जिसको वफा देते, कोई मिला ही नहीं जिसको वफा देते, कोई मिला ही नहीं जिसको वफा देते, हर एक ने दिल तोड़ा है किस किस को सजा दे। देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई, जब भी मेरे घर वाले मेरी शादी का सोचने लगते ना, हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है और मेरी शादी कैंसिल हो जाती है। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा, हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी, कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। जिसके फोन में नेट है, जिसके फोन में नेट है, जिसके फोन में नेट है वो किसी ना किसी से सेट है। आप देखो शादी के कार्ड पर लिखा था मेहरबानी करके शराब पीने वाले लोग शादी में ना आए, बाद में पता चला दूल्हा ही नहीं आया। जगह शादी हुई, शादी के दूसरे दिन ही सुबह ना घर में कोहराम मच गया, झगड़ा शुरू हो गया। लड़के ने जो है ना काम वाली को जो ना थप्पड़ रसीद कर दिया, कहने लगा अम्मी अम्मी देखिए इसके हाथ में ना मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई के कंगन है। उसकी माँ ने कहा बेटा ये काम वाली नहीं है, ये तेरी बीवी है, अभी अभी मुंह धोकर आई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब आप देखो एक लड़की कह रही, जब हमसे किचन में ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती है हाँ सब तोड़ दो, किचन तोड़ दो, सारा घर तोड़ दो, और जब अम्मी से ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती किस बेवकूफ ने यहाँ पर ग्लास रखा था।